ज़्यादा लेट भी हो जाएंगे बिकॉज बहुत सारी टीम्स को क्रॉस करके सर्कल में बहुत दूर तक जाना है। बिल्कुल ऑलरेडी टीम्स अंदर मौजूद है, लेकिन ये फाइट्स का बिल्कुल भी हमें अंदाजा नहीं था। यहाँ पर टीम एक्सपार्क गॉडलाइक के साथ फाइट इनिशिएट करती हुई नजर आ रही है और गॉडलाइक को तो पहली सफलता भी यहाँ पर मिल चुकी है, लेकिन जी गॉड को बचाना फिलहाल के लिए जरूरी है। और मैं भी बताना जरूर चाहूंगा कि टीम एक्सपार्क पिछले गेम में भी अच्छी शुरुआत नहीं रही थी कि विद इन जब 10वें मैच 10वें मिनट में पहुंचे थे वहां पर उनका कलियर मिशन देखने मिला था, लेकिन क्लाउडी ने यहाँ पर सरप्राइज कर दिया पावर को। देखिए क्लाउनी ने इस पावर को कर दिया, उधर सी गॉड को भी नॉक कर दिया गया है। ओह आई एम रियली सॉरी, फिनिश ऑफ ही कर दिया गया है। सो 2 प्लेयर्स बचे हैं, क्लच गॉड, लाला एंड कीकी। कीकी उछले और डैमेज मिला क्लाउनी। ओह माय गॉड, इज ही सांता क्लॉज बिकॉज ही इज एक्चुअली स्प्रेडिंग हैप्पीनेस द वे ही इज शोकेसिंग हिज टैलेंट। क्लच गॉड की बात की जाए तो यूएमपी के साथ आराम से रुके जरूर से वे, बट आसान नहीं होगा ये क्लच पूरा करना। एक तो मिड रेंज में, ऊपर से फ्लैंक्स में फ्लैंक्स डाले जा रहे हैं, मोलोटॉव की गई है। इनिशियल कनेक्शन मौली का बनने में समय लगता, उतने में संभल गए। हार्ड रॉक कवर के पीछे एक बढ़िया टीपीपी एंगल है। माइक्रोजी और यूएमपी दोनों ही एसएमजीज। स्काउट ने यहां पर कीकी को फिनिश कर दिया। क्लाउनी के साथ 1v1 के लिए बिल्कुल तैयार है। क्लच गॉड आगे जा रहे हैं, लेवल 1 का हेलमेट है बट ये बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या क्लाउनी अपने लिए क्लच ढूंढ पाएंगे? यस इट हैज हैपेंड, 1v3 फॉर क्लाउनी। दो बाकी प्लेयर्स का इनफ कंट्रीब्यूशन था बट फिनिशेस सिक्योर करने में क्लाउनी का सबसे बेहतरीन कंट्रीब्यूशन। उनकी शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ नहीं सकते हैं। देखिए दो तरफ से फंस गए, उधर से सैगी, इधर से अवी, स्काउट भी बीच में। स्काउट को यहाँ पर अगर मौका मिलता नॉक करने का सैगी या फिर एगी को, तब ही फायदा होने वाला है, वरना मेरे ख्याल से क्लाउनी बहुत ज्यादा दिक्कत में। कवर फायर आया जरूर से, फ्लोर डाउन हो जाएंगे बट क्लाउनी कैश भी बहुत ज्यादा कम है। वो हार्ड रॉक कवर के पीछे जाकर हील करना चाहेंगे बट जाने ही नहीं दिया एगी या फिर सैगी आउट से। सैगी का यहाँ पर इनिशियल डैमेज आता है, नॉक कर दिया जाता है क्लाउनी को। जिम्मेदारी अब स्काउट के ऊपर ज्यादा। अल्ट्रॉन थोड़ा सा दूर है, वो गाड़ी लेके काउंटर फ्लैंक डालते हुए आ जरूर से रहे हैं बट अब सैगी के ऊपर ये काउंटर फ्लैंक है। इनके पास सुरेबल्स हैं तो फायदा होगा। सैगी को नॉक कर जाते हैं तो शायद क्लाउनी को रिवाइवल भी मिल सकता है बट वो दे नहीं सकते क्योंकि स्काउट भी नॉक हो चुके हैं। अल्ट्रॉन को भी फिनिश ऑफ कर दिया जाता है। जो फ्लैंकिंग डाली है निगमा ने वो बहुत ज्यादा बेहतर थी, जानते हुए कि ये थर्ड पार्टी करने आए हैं। जैसे अभी हमने देखा फाइट हुई टीम एक्स की गॉडलाइक की, एनिग्मा गेमिंग आती है थर्ड पार्टी करने। टीम एक्स का लंबा सर्वाइवल हो नहीं पाया और जो थर्ड पार्टी करने आए थे उनको फायदा हुआ। बात की जाकर एनिग्मा की तो एक बार फिर से हेड टू हेड फाइट में इन्वॉल्व ये हो चुके हैं। अभी जस्ट इन्होंने एलिमिनेट करा टीम एक्स को, अब बारी आ चुकी है टीम सोल के साथ एक फाइट में इन्वॉल्वमेंट अपनी लेके जाने की। अभी यहाँ पर नॉक जरूर हो चुके हैं, सैगी पूरे तरीके से ऑब्लिटरेट हो चुके हैं। रेगल टॉस केस भी बहुत ज्यादा कम है बट देयर यू गो टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्टी एंड देयर यू कम। ओह माय गॉड, इज इट टीएसएम, इज इट टीएसएम, निंजा जॉर्ड कमिंग आउट देयर। ब्लेज नॉक हो जाते हैं, एक्विडॉक्स केस भी कम है, हार्ड रॉक कवर नहीं है, गाड़ी है, हील कर लेंगे। रेगल टॉस डाउन हो चुके हैं। सोली रॉक जो टीम सोल से बचे हुए ये फिनिश चुरा है, ये फिनिश जो है वो स्टील कर लिया। वीरू का फिनिश किसी और के नाम जाना चाहिए था, गया टीएसएम के नाम। एक नहीं दो नहीं चार टीम थे यहाँ पर, का भी हमें इंक्लूजन मिलता हुआ नजर आ रहा है और अपना काम करके चलेंगे। फोर्थ पार्टी जो, और ये चीज कल भी हुई थी लेकिन नुकसान किसको उठाना पड़ा? टीम सोल को, कि